गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल एक्सीलेंस। मैं हूं डॉक्टर संतोष और आज हम डिस्कस करेंगे पैटर्न अलाउंसेज इन कास्टिंग के बारे में। पैटर्न अलाउंसेज के बारे में जानने से पहले यह जान लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है। पैटर्न कास्टिंग का रिप्लिका होता है। हमें जिस पार्ट को बनाना होता है उसके डुप्लीकेट पार्ट को पैटर्न कहते हैं। पैटर्न का प्रयोग मोल्ड कैविटी बनाने के लिए किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कास्टिंग में अलाउंसेज क्यों दिए जाते हैं। कास्टिंग में अलाउंसेज इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि पैटर्न की मदद से जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसमें कुछ परिवर्तन करना होता है, या कहा जाए मॉडिफिकेशन करने होते हैं डिजायर्ड शेप और साइज बनाने के लिए। उस मॉडिफिकेशन को हम अलाउंसेज या कोड प्रिंट्स के द्वारा ही कर सकते हैं। कास्टिंग की क्वालिटी और एक्यूरेसी निर्भर करती है पैटर्न कैसा बना है या पैटर्न के बनने पर। इसलिए हम पैटर्न में अलाउंसेज को देते हैं जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट डिफेक्ट्स मुक्त हो सके। कास्टिंग में पैटर्न अलाउंसेज के टाइप्स हैं। पहला है श्रिंकेज और कंट्रेक्शन अलाउंस, दूसरा है ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस, तीसरा है मशीनिंग अलाउंस, चौथा है शेक और रैपिंग अलाउंस, और पांचवा है डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस। इन सभी अलाउंसेज को एक एक करके समझते हैं। तो पहला है श्रिंकेज और कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस। इस अलाउंस में जब मोल्टेन मेटल को अलाउ किया जाता है सॉलिडिफाई होने के लिए मोल्ड कैविटी में, तब वहाँ मोल्टेन मेटल में श्रिंकेज होता है। इससे हमारी जो कास्टिंग होती है उसका साइज कम हो जाता है पहले के कास्टिंग के साइज से। इसमें जब मोल्टेन मेटल कूल होता है पोरिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर तक, उस श्रिंकेज को हम लिक्विड श्रिंकेज कहते हैं। इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन वॉल्यूम व्हेन मेटल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट एट द सॉलिडेस्ट टेम्परेचर। टू अकाउंट फॉर दिस राइजर्स आर प्रोवाइडेड इन द मोल्ड्स। इसके लिए हम इसको कंपनसेट करने के लिए लिक्विड श्रिंकेज को राइजर्स को हम प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन एंड सॉलिड श्रिंकेज। जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है उसमें जो अमाउंट ऑफ श्रिंकेज होता है उसे हम सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कहते हैं। और जब सॉलिड कास्टिंग ठंडी होती है फ्रीजिंग टेम्परेचर से एम्बिएंट टेम्परेचर तक, तब उस अमाउंट ऑफ श्रिंकेज को सॉलिड श्रिंकेज कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये सॉलिड मेटल है जिसमें धीरे धीरे मोल्टेन मेटल श्रिंक कर रहा है। यहाँ पे सॉलिड मेटल है और ये मोल्टेन मेटल यहाँ पे धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, जिसके कारण एक श्रिंकेज कैविटी उसके अंदर भी बन गई है। यहाँ पे देखिए श्रिंकेज कैविटी, और साइड में भी वॉल्स की तरफ से श्रिंक हो गया है। यहाँ आप देखिए इधर से जो है ये श्रिंक हो गया है दोनों साइड से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम रिड्यूस होता है मेटल की सॉलिडिफिकेशन के दौरान उसे हम सॉलिड श्रिंकेज कहते हैं। लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट राइजर को प्रदान करके की जाती है। सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट पैटर्न का साइज बढ़ाकर की जाती है श्रिंकेज अलाउंस के रूप में। लिक्विड श्रिंकेज सबसे ज्यादा होता है एल्युमिनियम के लिए 6.5%। सॉलिड श्रिंकेज सबसे ज्यादा होता है ब्रास के लिए 23 mm/min, और लिक्विड और सॉलिड श्रिंकेज दोनों सबसे ज्यादा होता है स्टील मटेरियल के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस। इस अलाउंस में वर्टिकल सरफेस वाले पैटर्न को मोल्ड से आसानी से निकालने के लिए ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस दिया जाता है। यह अलाउंस पैटर्न की वर्टिकल हाइट पर निर्भर करता है। कम हाइट वाले पैटर्न्स में ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेज को देने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो बिना उसके आसानी से निकाले जा सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं एक पैटर्न है, यहाँ आप देख रहे हैं एक पैटर्न है और ये मोल्ड है। मोल्ड से पैटर्न के
इंची रिमूवल के लिए हम टेपर्ड पैटर्न बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये टेपर्ड पैटर्न है, ताकि वो आसानी से बिना मोल्ड को डैमेज किए रिमूव हो सके। टेपर अलाउंस का एवरेज वैल्यू 1/2 to 2 degrees होता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ द टेपर अलाउंस इज 1/2 to 2 degrees। नेक्स्ट वन है, वो है हमारा मशीनिंग अलाउंस। जैसा कि हमने देखा है कि कास्टिंग सरफेस की स्मूथ सरफेस फिनिश नहीं होती है, एक चिप्ड शेप और साइज पाने के लिए कास्टिंग सरफेस पर मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग के कारण कास्टिंग का साइज कम हो जाता है। इस चीज से उभरने के लिए पैटर्न के साइज को बढ़ाया जाता है पैटर्न में मशीनिंग अलाउंस देकर। मशीनिंग अलाउंस की वैल्यू निर्भर करती है हमारे साइज ऑफ सिलिका ग्रेन्स पर और कास्टिंग की सरफेस फिनिश पर कि हमें कितनी फिनिश की आवश्यकता है। मशीनिंग अलाउंस की वैल्यू mm पर सरफेस में होती है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यह रफ कास्टिंग है जिसका डायमेंशन ये टोटल जो है ये डायमेंशन रफ कास्टिंग की है, और ये जो है आफ्टर मशीनिंग टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज, ये हमारी ये फिनिश्ड प्रोडक्ट की कास्टिंग है। और ये मशीनिंग अलाउंस है, जनरली हम 2 to 10 में मशीनिंग अलाउंस लेते हैं। नेक्स्ट है शेक और रैपिंग अलाउंस। एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण मोल्डिंग सैंड पैटर्न के सरफेस पर चिपक जाता है। जब रैपिंग की जाती है, जब हमें आसानी से पैटर्न को मोल्ड से बाहर निकालना हो, तब हमें पैटर्न और मोल्ड सरफेस के बीच में क्लीयरेंस देना होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये शेक अलाउंस है, यहाँ पे ये पैटर्न और मोल्ड सरफेस के बीच में एक क्लीयरेंस वहां पे देख पा रहे हैं। जब हम पैटर्न की शेपिंग करते हैं तो कैविटी का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। इस चीज से निपटने के लिए हम पैटर्न का साइज कम रखते हैं और उसमें शेक अलाउंस के जरिए एक किया जाता है। शेक और रैपिंग अलाउंस एक तरह का नेगेटिव अलाउंस होता है जो पैटर्न में दिया जाता है। नेक्स्ट पैटर्न अलाउंस है वो है डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस। कास्टिंग के शेप साइज और लिनियर डायमेंशन में अंतर होने के कारण उसमें श्रिंकेज स्ट्रेस की संभावना आ जाती है। इसके कारण कास्टिंग के डिस्टॉर्शन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इससे बाहर निकलने के लिए पैटर्न में डिस्टॉर्शन अलाउंस दिया जाता है। डिस्टॉर्शन की दिशा के विपरीत में, मतलब जिस दिशा में डिस्टॉर्शन होता है उसकी विपरीत दिशा में हम डिस्टॉर्शन अलाउंस देते हैं पैटर्न में। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आई सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आई सेक्शन है, ये हमारा रिक्वायर्ड शेप ऑफ कास्टिंग है। हमें इस तरह की कास्टिंग चाहिए, लेकिन जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो हमारी कास्टिंग इस तरह बन जाएगी। हमारी कास्टिंग जो बनेगी इस तरह। इसको रोकने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हम डिस्टॉर्शन अलाउंस देते हैं। देखिए इसके सरफेस को ये कैसा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम डिस्टॉर्शन अलाउंस ना दें, ये हमारी रिक्वायर्ड कास्टिंग थी, ये जो हमारी कास्टिंग थी ये हमारी रिक्वायर्ड कास्टिंग थी, रिक्वायर्ड शेप था जो हमें चाहिए था, और ये है जो हमें विदाउट डिस्टॉर्शन अलाउंस का मिलता है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये बिना डिस्टॉर्शन अलाउंस अगर हम नहीं देंगे तो हमें इस शेप का मिलेगा। मतलब डिस्टॉर्शन अलाउंस ना दे तो ऐसी सरफेस हमें मिलेगा। तो इस तरह से डिफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए डिस्टॉर्शन अलाउंस देते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया पैटर्न अलाउंसेज इन कास्टिंग। थैंक यू।